हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट की। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट का ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हम एक किताब पर अलग-अलग से वीडियो बना लेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट का जो एक इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे, और उसकी जो थीम्स हैं 12 किताबों की, उस थीम को भी हम जानेंगे। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन हमारा ब्रीफ होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन जो जाने जाते हैं बेसिकली, वो पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की लाइफ का एक मास्टरपीस है, एक शाहकार है, ठीक है? पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक की फॉर्म में लिखा हुआ वर्क है, ठीक है? तो पैराडाइज लॉस्ट बेसिकली, ये आपको इसके एक जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 1658 से 1665 के बीच में इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था, लेकिन ये डेट इतनी नहीं आती। आपको जो याद रखना है वो याद रखनी है इसकी पब्लिकेशन डेट 1667, के पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लगभग 7 साल का समय लिया था लिखने के लिए। आपकी नॉलेज के लिए है कि जॉन मिल्टन ने लगभग 7 सालों में पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया था, यानी 1658 से 1665, और फिर 2 साल बाद यानी 1667 में उन्होंने इसको पब्लिश करा लिया था, है ना? अब देखते हैं कि ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ वर्क है जॉन मिल्टन का, जो एक ग्रैंड स्टाइल के लिए जॉन मिल्टन जाने जाते हैं। तो उनका ग्रैंड स्टाइल क्या था कि वो ब्लैंक वर्स में लिखा करते थे। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि उनका ग्रैंड स्टाइल जो है, जॉन मिल्टन किसके लिए जाने जाते हैं? ग्रैंड स्टाइल के लिए, और वो इनका स्टाइल है ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स में लिखा है बेसिकली पैराडाइज लॉस्ट को, और ये एक एपिक फॉर्म है ना? कैसा, नॉवल नहीं है, ड्रामा नहीं है, कुछ और नहीं है, बल्कि बेसिकली ये क्या है? एपिक है ना? तो ये बात समझ आ गई है कि पैराडाइज लॉस्ट को एक एपिक की फॉर्म में लिखा गया है, एक ग्रंथ की फॉर्म में लिखा गया है, और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अच्छा, ब्लैंक जो पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन ने किससे इंस्पायर होकर इसको लिखा था? तो वो है वर्जिल। वर्जिल का एक वर्क है एनीड, है ना? उससे इंस्पायर होकर जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। बेसिकली जब 1667 में पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश कराया, तो इसमें 10th किताब थी, यानी 10 किताबें थी उस समय सिर्फ इसमें। ये 12 नहीं थी शुरू में, सिर्फ इसमें 10 बुक्स थी 1667 में जब इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया था। लेकिन सेकंड टाइम जब इसको 1674 में, यानी जॉन मिल्टन की भी डेथ इसी समय हुई थी, तो 1674 में जब इसको दोबारा से पब्लिश कराया, तो उस समय इसमें जो वर्क, इसकी जो बुक्स हैं उनको 12 कर दिया था, यानी 12 किताबों पर इसको जो है फैला दिया गया था, स्पेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि जब 10 किताबें थी तो 10 ही रहने देते, इनको 11 या 12 क्यों किया इन्होंने? तो इसका आंसर ये होता है क्योंकि इसको वर्जिल का जो वर्क है एनीड, इससे इंस्पायर होकर जॉन मिल्टन ने लिखा था, और जो एनीड है उसमें भी 12 किताबें थी। तो इसीलिए जब इसी से इंस्पायर होकर जॉन मिल्टन ने लिखा है, तो बाद में लोगों को ऐसा लगने लगा कि फिर इसमें भी 12 किताबें ही होनी चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली शुरू में 1667 में इसमें 10 किताबें थी, लेकिन जब 1674 में इसको दोबारा से पब्लिश कराया, तो इसमें 12 किताबें कर दी गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और आ जाता है कि भाई जब शुरू में 10 है, उसमें कुछ बढ़ाया भी नहीं गया, कुछ और भी नहीं किया गया, तो फिर ये 12 कैसे हो गई? कोई बात नहीं, इसका भी आंसर है। इसका आंसर ये है कि बेसिकली किताबें तो ये 10 ही थी, लेकिन इन 10 किताबों को एक्सपेंड किया गया था। अब कौन कौन सी को किया गया? एक तो 7th किताब को किया गया, जो 7वीं बुक थी उसके 2 पार्ट बना दिए गए थे, है ना? और जो 10वीं किताब थी उसके भी 2 पार्ट बना दिए गए थे, यानी 7वीं के 2 बना दिए और 10वीं के 2 बना दिए। इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं 7th बुक इज द शॉर्टेस्ट बुक। इसीलिए जो 7वीं किताब है वो पैराडाइज लॉस्ट की सबसे छोटी किताब बन गई थी। तो शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुरू में 1667 में इस तरह से गिनती थी इनकी। लेकिन फिर जब 1674 में जब इसको दोबारा से जो है एडिट किया गया, दोबारा से इसको पब्लिश कराया गया, तो फिर क्या क्या 7वीं किताब के 2 बनाए, है ना? तो कितने हो गए? 11 हो गए। फिर जो 10वीं किताब थी उसके भी 2 बना दिए, तो फिर ये 12 हो गए। तो इस तरह से ये 12 किताबें बनी हुई हैं, और क्यों बनी हुई है? एनीड की, वर्जिल की एनीड की वजह से।
अच्छा, इसमें जो बेसिकली जो इसकी थीम है, सरफेस लेवल पर जो थीम आती है, किसके ऊपर लिखी गई है? फॉल ऑफ मैन, कि किस तरह से इंसान का फॉल हुआ है, किस तरह से वो स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी पर आया, जमीन पर आया है ना, ये सब चीजें हैं। और फिर यहाँ आकर उसने जो टेम्पटेशन है, उसका जो पछतावा हुआ, वो बातें उसमें दिखाई गई हैं। एक्सप्लोजन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन, के गार्डन ऑफ ईडन से किस तरह से उनको निकाल दिया गया, ये सारी चीजें पैराडाइज लॉस्ट में लिखी हुई हैं। हम इसकी थीम अलग से पढ़ लेंगे, एक एक बुक की अलग अलग थीम है, ठीक है। बेसिकली आप इसमें फॉल ऑफ मैन याद रख लें, कि फॉल ऑफ मैन, टेम्पटेशन, ये इसकी बेसिकली थीम है। अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट की जो शॉर्टेस्ट, ये अगर क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि 12 किताबें हैं, तो सबसे छोटी किताब कौन सी है, सबसे बड़ी किताब कौन सी है, तो सबसे छोटी जो है, जो शॉर्टेस्ट बुक है, वो आपकी सेवंथ है ना। इसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया था, क्योंकि इसके दो पार्ट बना दिए गए थे, तो शॉर्टेस्ट बुक सेवंथ बुक बनी हुई है, और इसमें कुल 640 लाइन है ना, 640, 640 लाइन बची हैं। और जो लॉन्गेस्ट पार्ट है पैराडाइज लॉस्ट का, जो लॉन्गेस्ट बुक है, वो आपकी नाइन्थ बुक है, जो नवी किताब है, वो सबसे बड़ा पार्ट है पैराडाइज लॉस्ट का, और इसमें 1189 लाइन है, 1189, ये लाइन आप भी याद रख लेंगे। तो ये भी बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कि शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा, शॉर्टेस्ट पार्ट में लाइन कितनी है, लॉन्गेस्ट पार्ट में लाइन कितनी है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी थोड़ा थीम की तरफ चलते हैं, कि इनकी थीम क्या है। तो बेसिकली जो फर्स्ट बुक है इसकी, उसमें फॉल ऑफ मैन के बारे में बताया है, सबसे पहले ही जो लाइन है वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में इन्वोकेशन है ना, जॉन मिल्टन जो है वहाँ पर, इन्वोकेशन प्रेरणा, कि वो यूरेनिया से प्रेरणा लेते हैं, यूरेनिया आप ध्यान रख लेंगे, हालांकि मैं इस पर अलग अलग से वीडियो पूरी बना दूंगा, आप सिर्फ यहाँ पर देख लें कि फर्स्ट बुक में फॉल ऑफ मैन है, और इन्वोकेशन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। और जब सैटर्न स्वर्ग में था, तो उस समय उसको सैटर्न तो नहीं कहते थे, तो फिर क्वेश्चन हो सकता है, तो फिर उसका नाम क्या था? लूसीफर। लूसीफर कई बार हमें कंफ्यूज करता है, कि भाई जो लूसीफर है वो कौन है, कई बार हमें लगता है कि सैटर्न अलग से कोई चीज है, लूसीफर अलग से कोई चीज है, ऐसा नहीं है। जब सैटर्न स्वर्ग में था, तो उस समय उसको लूसीफर कहते थे, है ना, और जब वो जन्नत से निकाल दिया गया, तो उसका नाम पड़ गया सैटर्न। तो एक ही इंसान के दो नाम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैनिशमेंट, के सैटर्न का बैनिशमेंट हुआ है हेवन से, और उसके साथ में उसके दूसरे जो साथी हैं, एंजल्स हैं, एंजल्स तो नहीं कहेंगे अब आप उनको, इविल स्पिरिट, उसके जो जो धुतकारे हुए, जो निकाले हुए उसके जो साथी हैं, उसका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैंडिमोनियम, ये ऐसी जगह है जिसको ये सैटर्न वगैरह बनाते हैं, इनके जो एक आप पैलेस कह सकते हैं, इनके ठहरने की जगह पैंडिमोनियम है। सेकेंड बुक में क्या होता है? काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट है ना, टू अटेम्प्ट एडम एंड ईव, तो इनकी एक काउंसिल होती है सेकेंड बुक में, ये आपको याद रखना है, कि सैटर्न पूरी की पूरी एक काउंसिल बिठाता है, कि किस तरह से एडम और ईव को टेम्प्ट करना है। यही आपको हेल का गेट भी दिखाई देगा, जिसको गार्ड कर रहे हैं सिन एंड डेथ, ये आपको याद रखना है। थर्ड बुक में क्या है? गॉड सीज ऑल फॉल, के गॉड जब फॉल को देखता है, और फिर राफेल को भेजता है, और राफेल यहाँ पर एडम और ईव को चेतावनी देते हैं, कि देखो इस तरह से सैटर्न को स्वर्ग से निकाला गया है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें वो टेम्पटेट तुम्हें जो उकसाएगा है ना, तुम्हें टेम्प्ट करेगा, प्रवोक करेगा, तो उसका ध्यान रखना है। तो गॉड जो है राफेल को समझाने के लिए भेजते हैं एडम और ईव को, है ना। और यहाँ पर आप जीसस क्राइस्ट को भी देख सकते हैं, उनका भी यहाँ पर जिक्र है। सैटन यहाँ पर जो है डिस्गाइज हो जाता, अपना रूप बदल लेता है, और फिर वो वे टू अर्थ, जमीन पर आने के लिए पूछता है किससे? उरियल से, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये एक एंजल हो सकता है, कि फिर वो रूप, अब सैटन अब वैसे तो उसको पहचान लेता वो, लेकिन अपना रूप बदल लेता है, और फिर वो कहता है कि बताओ जो अर्थ है, जो एडम और ईव के लिए जिस अर्थ को बनाया गया है, बताओ वो कहाँ पर है, उससे पूछता है। फोर्थ किताब में क्या है? गार्ड इन ईड जो है ईडन, वहाँ उसका गार्ड इन ईडन का जिक्र है। सैटर्न टेम्प्ट्स ईव इन ड्रीम, सैटर्न जो है वो ईव के सपनों में आ जाता है, हालांकि सैटर्न को वहाँ पकड़ लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो फ्री होकर भाग जाता है। फिफ्थ किताब में आप देखेंगे कि जो स्टोरी है, जो कि सपनों में उसके ये सैटर्न आया है फोर्थ बुक में, तो पांचवी किताब में यहाँ पर ईव जो ये सारी कहानी एडम को बताती है, राफेल वहां पर आ जाता है, और वो बताता है पूरी की पूरी कहानी, कि किस तरह से
सैटन को और उसके जो साथी हैं उन्होंने एक रिवोल्ट किया गॉड के अगेंस्ट, खुदा से जंग की, और इसीलिए उनको जन्नत से निकाल दिया गया है। तो उनका पूरी स्टोरी बताते हैं। और राफेल जो है फिर एक स्टोरी बताते हैं, रिवोल्ट की स्टोरी बताते हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे कि जो क्रिएशन है, जो दुनिया बनाई गई है, जो संसार को बनाया गया है, ये कहानी एडम और ईव को बताई जाती है। राफेल जो है इस दुनिया की कहानी बताते हैं, ये सेवंथ बुक में बताते हैं। और फिर आठवीं किताब में जो एडम नरेट्स हिज स्टोरी एंड ईव टू राफेल, आठवीं किताब में एडम अपनी और ईव की, जो उन्हें क्रिएट किया गया, उनको बनाया गया है राफेल से, वो पूरी कहानी बताते हैं। नाइन्थ बुक में क्या होता है, टेम्पटेशन होता है, डिसओबीडियंस बाई एडम ईव रिगार्डिंग द फ्रूट, है ना। जो नाइन्थ बुक है उसमें ही टेम्पटेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो डिसओबीडियंस है, जो नाफरमानी, डिसअबोडियंस नाफरमानी, जो नाफरमानी जो है एडम और ईव नाफरमानी करते हैं, वो कौन सी बुक है, वो नाइन्थ बुक है। अच्छा, वो फल को खा लेते हैं। अब टेंथ बुक में क्या होता है, डिवाइन जजमेंट होता है, सैटन गोज टू पेंडेमोनियम, सैटन जो है अपने पैलेस में चला जाता है, एडम और ईव ये दोनों पछताते हैं, और सैटन और उसके जो साथी हैं उनको सरपेंट बना दिया जाता है टेंथ बुक में, ठीक है। अच्छा, इलेवंथ बुक में क्या होता है, गॉड एक्सेप्ट एडम रिपेंटेंस, यहाँ पर गॉड जो है वो एडम के जो रिपेंटेंस है उसका जो पछतावा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन करता क्या है उसको एक्सेप्ट करने के बाद, बैनिशेज हिम फ्रॉम पैराडाइज, लेकिन उसको पैराडाइज से निकाल देता है। पहले सैटन को निकाला गया था, लेकिन इलेवंथ बुक में जो है ईव और एडम को भी निकाल दिया जाता है। माइकल एग्जीक्यूट द सेंटेंस, ईव्स ग्रीफ एट द लॉस ऑफ पैराडाइज, यहाँ पर आप ईव को देख सकते हैं कि वो जो है अपना एक जो पछतावा दिखाती है, एक तरह का उसको सदमा है कि उनको निकाल दिया गया है ना। और फिर लास्ट जो बुक है, माइकल विजन्स स्टिल कंटिन्यूज, और जो माइकल है उसका काम अब तक भी कंटिन्यू है, एडम एंड ईव हियर द फ्यूचर रिडेम्पशन, वो फ्यूचर के बारे में भी सुन लेते हैं, एडम और ईव के फ्यूचर में क्या होने वाला, वो सारी बातें 12वीं किताब में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, आप इसको देख सकते हैं, बाकी हम इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन।